वेलकम फ्रेंड्स, ये क्लास टेंथ की मैथ की एनसीईआरटी बुक है एक्सरसाइज 5.2। और ये चैप्टर का नाम जो है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें मैं आपको ये क्वेश्चन फर्स्ट वाला जो है सॉल्व करके बताऊंगी। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल दिया हुआ है, इसमें हमको फिल करना है जितने भी ब्लैंक्स आपको दिख रहे हैं ना, ये खाली स्थान जो दिख रहे हैं आपको, इन्हें हमें फिल करना है। गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, जिसमें गिवन ये बता रहा है कि ए जो है वो फर्स्ट टर्म होता है। जो सीरीज होती है एपी सीरीज, उसमें जो पहला वाला जो टर्म होता है ना उसको ए कहा जाता है, ठीक है। डी क्या है, डी कॉमन डिफरेंस है। और ए एन क्या है, जो एपी सीरीज है उसमें वो सीरीज कितने टर्म तक गई है उसको उसने क्या मान लिया है कि एन टर्म तक अगर एपी है तो उस एन टर्म पर जो वैल्यू है वो ए एन कहा गया, ठीक है। तो यहाँ पर ए डी एन और ए एन देखिए, कई में आपको ए की वैल्यू दी हुई है तो डी की नहीं दी है, एन का दिया है तो ए एन का नहीं दिया है। तो इस वाले क्वेश्चन में केवल एक ही फॉर्मूला लगेगा, उसी फॉर्मूले से ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। देखिए जैसे क्वेश्चन फर्स्ट जो ए वन का फर्स्ट वाला देखिए क्या है, वन के फर्स्ट में क्या दिया हुआ, ए जो है हमारा सेवन दिया हुआ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ए मेरा दिया हुआ है सेवन, ठीक है। और डी मेरा दिया हुआ है थ्री और एन दिया हुआ है मेरा एट। और यहाँ पर हमें देखिए ए एन निकालना है, ठीक है, ए एन ये हमें निकालना है। तो इस वाले क्वेश्चन में इस टेबल में केवल एक ही फॉर्मूला लगेगा, वो ये वाला लगेगा, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। बस ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए और इस फॉर्मूले में जो जो टर्म दिया हुआ है, जो वैल्यूज दिया है बस पुट कर देना है। तो यहाँ ए एन हमें निकालना ही है, तो ये ए एन हमारा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और ए क्या दिया हुआ हमारा सेवन, यहाँ पर जस्ट आप सेवन रख दीजिए, ठीक है। प्लस एन, एन कितना दिया हुआ एट, तो है एट माइनस वन। और डी कितना दिया हुआ हमारा थ्री दिया हुआ, जस्ट इसको सॉल्व कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा सेवन प्लस ये हो जाएगा सिक्स, सॉरी एट में सेवन गया सेवन इंटू थ्री, तो ये हमारा हो जाएगा सेवन प्लस ये हो जाएगा ट्वेंटी वन, तो ये हमारा आएगा 28। तो ये ए एन इसकल टू 28 हमारा क्या बता रहा है, एन क्या बता, ए क्या बता रहा है कि जैसे एपी सीरीज है, मैं इसको समझा देना चाहती हूँ। जो एपी सीरीज है उसमें ये एपी सीरीज हमारी होती है ए वन ए टू ए थ्री, ठीक है, कहाँ तक गया है ए एन तक गया। तो ये ए वन जो होता है ना, इसी को ए कहा जाता है, ये फर्स्ट टर्म होता है। तो ए वन कितना दिया हुआ हमारा सेवन दिया हुआ, ठीक है, ये दिया हुआ है। और n इजकल टू एट बोल रहा है ना, तो यानी कि इसमें टोटल आठ टर्म होंगे, जैसे इसमें एक दो तीन, उसी तरह से फोर फाइव सिक्स सेवन और ये एट। तो देखिए टोटल कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, n एट क्या बता रहा है कि एपी सीरीज में टोटल आठ टर्म है। तो यहाँ गिनने पर भी देखिए, मतलब आठ नंबर्स आपको दिखेंगे सीरीज में, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ठीक है, एट हो गया। अब क्या d कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस ए टू में से जो ए टू पे अगर कोई टर्म होगी और ए वन में आपका सेवन दिया हुआ है, तो जस्ट इसमें से इसको आप माइनस कर देंगे तो वही d निकला है आपका थ्री, ठीक है। तो आपको n पता चल गया। और जो ए एन आ रहा है ना, ये ए एन आपका क्या बता रहा है कि ये इस सीरीज में टोटल आठ टर्म है, तो ये लास्ट टर्म होगी। तो ये लास्ट टर्म यानी कि ये एन है, यहाँ पर ये एट टर्म आएगा, है ना। तो इसी टर्म पर जो वैल्यू है ना वो ए एन बता रहा है, यानी कि यहाँ पर हमारा इस ए एन की जगह होगा 28, ठीक है, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो मेरा आंसर क्या है 28, ठीक है। अब देखिए सेकंड वाला क्या कह रहा है, सेकंड वाले में देखिए यहाँ पर जो जो वैल्यू दिया हुआ, जैसे ए का दिया हुआ है ना, तो इसको आप लिख दीजिए, डी का नहीं दिया तो क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, यानी कि सेकंड वाले में डी निकालना। देखिए ए क्या दिया हुआ है हमारा, ए दिया हुआ हमारा माइनस 18, ठीक है, ये गिवन है सब, ठीक है। और क्या है, डी हमें निकालना है, डी हमें निकालना है। और एन कितना दिया हुआ, देखिए एन यहाँ पर 10, ये एन 10 बता रहा है कि एपी सीरीज में टोटल 10 टर्म है। तो एन दिया हुआ है हमारा यहाँ पर एन इजकल टू 10, ठीक है, एन 10 दिया हुआ है। और ए एन कितना दिया हुआ है हमारा, जीरो, देखिए यहाँ जीरो लिखा हुआ है। एन इजकल टू 10 यानी कि यहाँ पर मैं बता देना चाहती हूँ, मान लीजिए ये मेरी एपी सीरीज है, तो 10 यानी कि टोटल 10 टर्म होंगे। तो यानी कि ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स ए सेवन ए एट ए नाइन ए एन मान लेते हैं, ये टोटल एक दो तीन 10 टर्म है, ये एन इसका टू 10 यही बताता है, टोटल 10 वैल्यूज होंगे। इसमें ए इसका माइनस 18, ए क्या बताता है, ये जो ए वन है ना इसी को ए कहा गया, इसको ए भी कहते हैं, ये फर्स्ट टर्म होती है जो कि माइनस 18 हमारी दी हुई है, ठीक है। एन 10 दिया ही हुआ है हमारा, हमें ए एन जीरो दिया, ए एन जीरो का मतलब क्या है, जो लास्ट टर्म है ना इस एपी सीरीज में, यानी कि 10th टर्म पर जो वैल्यू होगी ना ये जीरो दी हुई, मतलब यहाँ पर ए एन जीरो दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही फॉर्मूला हमारा लगेगा, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। देखिए ए एन की वैल्यू जीरो दी हुई, तो जैसे इस फॉर्मूले में आप जीरो रख दीजिए, ए कितना दिया हुआ माइनस 18, ठीक है,
प्लस एन भी हमारा 10 दिया हुआ है, तो 10 माइनस 1 हमें यहाँ पे डी निकालना है, ठीक है। तो ये हमारा 0 हो गया, ये माइनस 18 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0 किधर आ जाए तो प्लस 18 हो जाएगा, और 10 में 7 गया 9 इंटू डी, हमें डी निकालना है। तो डी निकालेंगे कैसे, ये 9 मल्टीप्लाई है, यहाँ आएगा तो 18 के साथ डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हमारा डी यहाँ पर हमारा 2 आ गया, ठीक है। उसी तरह से देखिए क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन थर्ड में हमें ए की वैल्यू फर्स्ट यानी ए निकालना है, और क्या क्या गिवन दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, 18 एन दिया हुआ है और एन दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन थर्ड में मैं लिख देती हूँ, क्वेश्चन थर्ड में हमें ए निकालना है, ठीक है, और डी मेरा कितना दिया हुआ है, माइनस 3 दिया हुआ है, और एन मेरा दिया हुआ है यहाँ पर 18, ये देखिए दिया हुआ है, और ए एन कितना दिया हुआ है हमारा, एन देखिए हमारा माइनस 5 दिया हुआ है। फिर से देख लेते हैं, हमें यहाँ ए निकालना है, डी माइनस 3 दिया हुआ है, एन 18 है, और ए एन कितना दिया हुआ है, माइनस 5 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ये यहाँ पर भी यही फॉर्मूला लगेगा, ये वाला लगेगा बस, और क्या, इस क्वेश्चन में केवल यही फॉर्मूला लगेगा, इसे सॉल्व हो जाएगा। तो ए एन देखिए यहाँ पर दिया माइनस 5, यहाँ माइनस 5 रख दीजिए, इक्वल टू ए, देखिए ए हमें पता करना है, तो ए ऐसे ही रहने दीजिए, एन कितना दिया हुआ 18, ठीक है, तो 18 माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना दिया हुआ माइनस 3, तो यहाँ आप माइनस 3 दे दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस 5 इक्वल टू ए प्लस 18 में से बन गया 17 इंटू माइनस 3, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 5 इक्वल टू ए प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 21, 3 से 3 4 5 विथ माइनस साइन, क्यों, क्योंकि देखिए ये माइनस में है, तो माइनस में आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 5 इक्वल टू, ये मेरा इक्वल टू है, क्या आएगा ए, और ये देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ 51 आ जाएगा, तो हमें ए की वैल्यू चाहिए, तो ये माइनस 51 इधर लेकर आ जाएंगे हम, तो माइनस 5 ये माइनस इधर आएगा माइनस 51, तो क्या हो जाएगा प्लस 51 इक्वल टू ए, तो ए की वैल्यू क्या आएगी हमारे, इसमें से 5 माइनस कर दीजिए, 11 में से 5 किया आपका कितना मिला, 6 बचा और 46, यानी कि ए की वैल्यू हमारी 46 आई है। ये बता रहा है ए 46 कि उस एपी सीरीज में जो पहला टर्म है ना 46 है, जैसे यहाँ पर ये देखिए मैंने एपी सीरीज ये बनाई, तो ये वैल्यू जो दी हुई है ना, इसको ए भी बोलते हैं, और इस ए की वैल्यू दी हुई है 46, ठीक है, ये मेरा थर्ड हो गया। अब देखिए फोर्थ भी सिंपल है, फोर्थ में क्या क्या गिवन दिया हुआ है मैं लिख लेती हूँ, फोर्थ में मेरा ए दिया हुआ है माइनस 18.9, ठीक है, और डी कितना दिया हुआ है, डी मेरा दिया हुआ 2.5, और यहाँ पे हमें नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि एन निकालना है, ठीक है, और ए एन हमारा दिया हुआ है 3.6, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है ये सब, हमें क्या निकालना है, एन निकालना है, तो यहाँ पर भी यही फॉर्मूला लगेगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, देखिए ए एन हमें कितना दिया हुआ है, ए एन हमारा 3.6 दिया हुआ है, यहाँ पे लिख दीजिए आप, ए कितना दिया हुआ है माइनस 18.9 प्लस एन हमें निकालना है, डी कितना दिया है इंटू 2.5, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.6 इक्वल टू ये माइनस 18.9 प्लस 2.5 से, ये क्या है ब्रैकेट में है एन माइनस वन, और उससे क्या मल्टीप्लाई, 2.5 तो 2.5 से दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो 2.5 को जब एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 एन आएगा, फिर माइनस 2.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 आएगा हमारा, ठीक है, तो यहाँ पर n वाले हमें n की वैल्यू चाहिए, ये टर्म छोड़ दीजिए और बाकी जितने भी नंबर है सब इधर लेकर आ जाइए दूसरे साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, तो 3.6 ये माइनस 8.9 इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 18.9 हो जाएगा, ठीक है, ये इधर आएगा तो प्लस साइन चेंज हो जाएगा, उस तरह से ये माइनस 2.5 है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2.5, और ये हो जाएगा हमारा 2.5n, ठीक है, तो जब आप इसको प्लस करेंगे ना तो ये आपका टोटल आ जाए, ये प्लस करने पर आपका यहाँ 25 आएगा, ठीक है, 25 इक्वल टू 2.5n, हमें क्या चाहिए n की वैल्यू चाहिए, तो ये वाली टर्म इधर आएगी तो क्या हो जाएगी 25 के डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, हमें ये पॉइंट हटा, इस पॉइंट को हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 25/10 होगा, यही होगा ना, इस पॉइंट को हटाएंगे तो 25/10 होगा, तो फिर उसके बाद क्या होगा 25 × 10/25 इसकल टू एन, यानी कि एन की वैल्यू हमारी आ रही है यहाँ पर 10, यानी कि इस एपी सीरीज में टोटल 10 टर्म्स हैं, ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैं ये फिफ्थ वाला छोड़ देती हूँ आप पर, आप इसको सॉल्व करके आंसर जो है कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है।